सहारनपुर के थाना ननौता पुलिस द्वारा चौकी जंधेड़ी पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया, जिसमें पिकअप और मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का वो प्रयास करने लगे, जिसमें मौके पर सूचना पाकर क्राइम ब्रांच और थाना ननौता पुलिस द्वारा भोजपुर नहर पुल पर बदमाशों की घेराबंदी की गई। बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसमें पुलिस के सोनू चौधरी और हेड कांस्टेबल संजीव घायल हो गए। जवाबी का फायरिंग में आपको बताते चले, तीन बदमाशों को गोली लगी जिसकी वजह से वो घायल हो गए। घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल सहारनपुर में भर्ती कराया गया। जंधेड़ा पुल के जो पुल है उसके पास ननौता पुलिस चेकिंग कर रही थी, वहीं से एक बाइक और एक पिकअप आती हुई दिखाई दी, तो उनको रोकने के जब प्रयास किया गया तो वो लोग जो है उसमें से उतर कर भागने लगे। जब उनको भागने पे रोका गया तो वो लोग जंगलों की तरफ भागे और फायर करते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया, और उस फायरिंग में जो है हमारे दो जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए। तो उसी जवाबी फायरिंग में हम लोगों ने जब हमारी तरफ से पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुई तो उनके तीन जो उसमें से थे उनको वो घायल हुए, उनको गोली लगी है, और बाकी हम लोगों ने तीन जो है कॉम्बिंग करके तीन जो और थे उनको पकड़ लिया। आगे की अभी इसमें जांच चल रही है, आगे देखेंगे। कुल छह बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ छह इसमें लोग हैं। सर, क्या आपराधिक इतिहास, कोई पता, कोई इनामी बदमाश है इनमें से, कुछ इस तरह का? इनमें से जो अभी ये लोग जो बाकी तीन पकड़े गए हैं उनसे अभी जो इनिशियल पूछताछ की गई है उसमें इनके द्वारा जो है बहुत सारे अपराध जो इस सहारनपुर रेंज में, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर और इंटर स्टेट भी इधर भी करना बताया गया है, तो इनके खिलाफ काफी। जहां पर कोतवाल कटघरी इलाके के रामपुर रोड पर एक मोमबत्ती फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग के लपटे दूर दूर से नजर आने लगी। काला धुआं फैलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां भी आग बुझाने के लिए फैक्ट्री पर पहुंच गई, लेकिन फैक्ट्री में रखे मोमबत्ती बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की वजह से आग की विकराल लपटों ने भयंकर रूप ले लिया। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। कीमत ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं, लेकिन आग से लाखों रुपए का नुकसान जलकर खाक हो चुका है। मोम की फैक्ट्री है, इसमें बता रहे हैं कि मोमबत्ती बनाने का कार्य किया जाता था। इसमें आज की सूचना हमको फायर स्टेशन हैलेट रोड पे हमारे 101 पे प्राप्त हुई। अशोक कुमार नाम की व्यक्ति ने सूचना दिया, फैक्ट्री में आग लगी है। तत्काल हमारे अग्निशमन अधिकारी कटघर दो मोटरसाइकिल के लेकर के तत्काल रवाना हुए, क्योंकि आग मोम में लगी थी और काफ़ी काला धुआं निकल रहा था। ये देखते हुए हमने जो अन्य गाड़ियां हैं तत्काल उनको भी रवाना किया गया। पांच गाड़ी हमारी लगातार मौके पर कार्य कर रही हैं, और जो ये आग है मोम की, आग को बुझने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि इसमें मोम की जो आग की कैटेगरी है वो ए क्लास ऑफ फायर की बजाय बी क्लास ऑफ फायर में होती है, और वो उसमें थोड़ा बुझाने में वक्त लगेगा। वैसे आग नियंत्रण में है, कोई जनहानि नहीं। अच्छा सर, इसमें धमाका सुनने में आ रहा, सिलेंडर भी फटा है? हाँ, जैसे ये इंडस्ट्री होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कहीं ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, कहीं एलपीजी का यूज किया जाता है, संभवतः किसी कारण कोई सिलेंडर।